धान फसल जो है इकर में कीट रोग प्रबंधन जो होला ये फसल के बर्बाद कर देवेला, किसान भाई बहन के नुकसान होला, तो भाई इन नुकसान से बचे के है तो चलू हम सीधे चले थे हमरे के जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकरे से बातचीत करती, उनकरे से जानकारी लेवाती है नहीं। हम आज जानेंगे कि धान में लगने वाले रोग और उनका प्रबंधन कैसे करें। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी जी हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी आपका जो धान की फसल है खेतों में, अभी इसमें बाली आने का समय होने वाला है या कई जगह बाली आ चुकी है, तो इस समय में जो कीट और बीमारियां जो धान में लगती हैं उनके लिए आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें सबसे पहले अगर हम ध्यान देंगे तो कुछ कीट और बीमारियां हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। खरपतवार जितना प्रबंधन करना था कर चुके हैं, लेकिन अभी का जो समय है वो कीट एवं बीमारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम बीमारियों की बात करते हैं किसान भाई, तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्लास्ट झोंका बीमारी आती है। झोंका में क्या होता है कि जो आपका बाली देखेंगे, बाली का गर्दन टूट के ऐसे गर्दन नीचे टूट के गिर जाती है। इस रोग में पहले अगर अभी आप पत्तियों पे देखेंगे तो धब्बे दिखाई देंगे भूरे कलर के, तो इन धब्बों से जो बाद में आपका जो बाली का जो गर्दन है उसके ऊपर पहुँचता है और बाली आपकी टूट करके गिर जाती है। इस जो बीमारी है जिसको ब्लास्ट बोलते हैं, इसके जो नियंत्रण है उसके लिए आप कैसुगा माइसिन एक दवाई जो फंजीसाइड है उसका, या फिर आप हीनोसान जो एडिफेन फोस है, हीनोसान के नाम से मिलता है, 500 ml दवा को प्रति हेक्टर आपका इसका छिड़काव करें, या ट्राईसाइक्लोजोल जो आपको ब्लास्ट ऑफ के नाम से मिलेगा 300 ग्राम इस दवा को 500 लीटर पानी में मिला करके प्रति हेक्टेयर आप इसी समय छिड़काव करें, तो आपको ब्लास्ट नामक जो बीमारी है इससे आपको राहत मिलेगी।